अगर आप एक अच्छा थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला बैकग्राउंड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा एलिमेंट्स, चौथा कलर्स, पांचवा इमेज। ये सब आपको कैनवा पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो छिली मोबाइल की स्क्रीन पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं कैनवा को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी जीमेल आईडी से लॉगिन वगैरह कर लेना है, ठीक है। थंबनेल बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ टेम्पलेट मिलेंगे, अगर आप चाहो तो इन थंबनेल को एडिट करके अपना थंबनेल बना सकते हो। बस करना क्या है कि जो भी थंबनेल पसंद हो उस पर क्लिक कर लेना है और एडिट कर लेना है। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से खुद से थंबनेल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, कलर पे क्लिक करके सबसे पहले थंबनेल का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, ग्रेडियंट कलर भी मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ब्लैक यूज करने वाला हूँ। कैनवा का यूज करके आप बहुत ही अच्छा थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। इस ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि फुटेज, ग्राफिक्स, फॉन्ट और भी बहुत कुछ। तो चलिए सीख लेते हैं कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो का टॉपिक लिखना है, जो भी हो। तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है और टेस्ट करने के लिए टेस्ट पे क्लिक करना है, ऐड अ टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का टॉपिक लिख लेना है। तो मेरे वीडियो का टॉपिक है कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, इसे मैं जूम कर लेता हूँ। टेस्ट एकदम सिंपल है, दिखने में सही नहीं लग रहा, तो मैं अभी इसकी डिजाइन को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक किया और इसे बोल्ड कर देता हूँ, डबल ए पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कैपिटल में हो जाता है। अब इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट पे क्लिक किया, ध्यान से देखना कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बोल्ड टाइप करना है, सर्च कर लेना है, स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ पर सेट करके एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो देखो हिंदी टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो देख सकते हो हिंदी कीवर्ड आ गया, अब आप टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैसे बनाएं। इसका भी फॉन्ट सही नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट पे क्लिक किया, ध्यान से देखना कि मैं हिंदी के लिए कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। सर्च बार पे क्लिक करना है, इंडिया टाइप करना है, सर्च कर लेना है, स्क्रॉल करना है। मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, इसे बोल्ड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया, बोल्ड कर लेता हूँ। अब कलर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो जिस भी टेक्स्ट पे आपको कलर करना हो सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे कलर हैं, ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको खुद से कलर बनाना हो तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस तरीके से जिस भी कलर से आप थोड़ी हाईलाइट करना चाहते हो कर सकते हो। अब मुझे YouTube का लोगो चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स चाहिए तो टेंशन मत लो, आपको सब कुछ कैनवा में ही मिल जाएगा। एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। वैसे तो देख सकते हो यहाँ पर एरो, फ्रेम, लाइन, सर्कल, यूट्यूब, यहाँ पर आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप सर्च बार पे क्लिक करके जिस भी टाइप का आपको ग्राफिक्स चाहिए सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे मुझे यूट्यूब का लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूट्यूब लोगो, सर्च कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब के लोगो आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको जिस भी टाइप का ग्राफिक्स या फिर फुटेज चाहिए सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, लेकिन हाँ इंग्लिश से ही सर्च करना है, हिंदी से सर्च मत करना, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, समझ गए ना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से टेस्ट की डिजाइन कर लिया हूँ। मैं आपको कुछ इस तरीके का थंबनेल बना करके दिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पर मुझे एक और ग्राफिक्स चाहिए, आप भी ध्यान से देख लो कि आखिर मैं कौन सा ग्राफिक यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लोज किया, एलिमेंट्स पे क्लिक किया, अभी रिसेंट पे यूज किया था ये वाला, इसको मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। और मुझे एक ग्राफ भी चाहिए तो मैं उसको भी ला लेता हूँ। अब मैं इसको सही से सेट कर लेता हूँ। अब मैं अपनी एक PNG फोटो ला लेता हूँ। तो देख सकते हो गैलरी का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करके अपने गैलरी से फोटो को ला लेता हूँ। तो ये रही मेरी PNG फोटो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर इतने में सेट कर लेता हूँ। देख सकते हो मेरी फोटो ब्लर है, तो मैं इसका फिल्टर वगैरह यानी कि इसकी क्वालिटी को थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके लिए देख सकते हो एडजस्ट को ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक किया, आप भी इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कौन कौन सा फीचर्स यूज कर रहा हूँ। कंट्रास्ट पे क्लिक किया, मैं इसको इतना बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद हाईलाइट पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ी कम कर लेता हूँ, शैडो को बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद लास्ट में आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो क्लैरिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो मैं इससे थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। देख सकते हो मेरी फोटो में क्लैरिटी आ गई। तो आप भी इसका यूज कर सकते हो, स्किप करने की गलती मत करना, वीडियो ध्यान से देख लो, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं अपने फोटो पर स्टॉक दे देता हूँ। आपने देखा होगा बड़े क्रिएटर का जो थंबनेल होता है ना, उनके फोटो पर स्टॉक होता है इस तरीके से। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर फुटबॉल पे क्लिक करना है, आपको आउटलाइन पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर पे क्लिक किया, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी साइज में थोड़ी कम कर लेता हूँ, इतना।
अब मुझे एक शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं जहाँ पर एलिमेंट्स पे क्लिक किया, ये वाला शेप मुझे चाहिए। इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी एक कॉपी लिया, अब मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। फोटो पे क्लिक किया, थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं यहाँ पर फोटो को फ्रंट में कर लेता हूँ। अब इन शेप्स पर CTR का परसेंटेज टाइप कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से CTR का परसेंटेज डिजाइन कर लिया हूँ। आपको सिंपली टेस्ट टाइप कर लेना है, और जो एरो दिख रहा है ये आपको एलिमेंट्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं दो तीन थंबनेल लगा देता हूँ ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये थंबनेल आपको कैसा लगा। आपके वीडियो का टॉपिक चाहे जो भी हो, जो थंबनेल के डिजाइन है वो मैं बताऊं, तो आप किसी भी थंबनेल पर इसी तरीके की डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत से थंबनेल बनाए हूं अलग अलग प्रकार के, तो देख लीजिए, डिजाइन पसंद आने पर अपने थंबनेल पर अप्लाई कर सकते हो। थंबनेल रेडी होने के बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है, डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये जो थंबनेल है सेव हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चाहे आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर बिना फेस दिखाए थंबनेल बनाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। मिलते हैं शुरू में, तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।